बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कहा कि देश में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में उनका परिवार चुप नहीं बैठ सकता। वाजेद के इस बयान को ये संकेत माना जा रहा है कि शेख हसीना या उनका परिवार बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की योजना बना रहा है। इसके पहले वाजेद ने कहा था कि उनकी मां शेख हसीना या उनके परिवार का कोई भी सदस्य अब बांग्लादेश की राजनीति में नहीं लौटेगा। एक वीडियो संदेश में वाजेद ने कहा, मैंने कहा था कि मेरा परिवार फिर कभी राजनीति नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। सजीव वाजेद ने इसके साथ ही बयान में बातचीत की भी पेशकश की। उन्होंने कहा, इस समय देश की कमान जिस किसी के हाथ में है, मैं उससे कहना चाहता हूं, हम भी आतंकवाद मुक्त बांग्लादेश चाहते हैं, इसके लिए हम किसी से भी बातचीत शुरू करने को तैयार हैं, बशर्ते वो आतंकवाद को छोड़ें। उन्होंने बांग्लादेश के हालात को अराजकता भरा बताया और आवामी लीग के नेताओं की हत्या की बात कही। वॉशिंगटन में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के बेटे ने कहा, आवामी लीग सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, ये खत्म नहीं हुई है। आवामी लीग ने बांग्लादेश को आजाद कराया है, इसे मिटाना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आवामी लीग के बिना एक नया लोकतंत्र देश बनाना संभव नहीं है। उसके साथ ही उन्होंने आवामी लीग के नेताओं से अपील की, मैं आवामी लीग के सभी नेताओं से आह्वान करता हूं कि वो मजबूती से खड़े हों। ये बात जान लीजिए कि हम आपके साथ हैं, शेख हसीना मरी नहीं है, यानी कि उन्होंने यहाँ शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम देश और आवामी लीग को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सोमवार को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के कुछ घंटों के बाद ही सजीव ने बीबीसी से कहा था कि वो अब राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। इसके बाद कई दूसरे इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि उनकी मां और ना ही वो और ना ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में प्रवेश करेगा। इस बीच गोपालगंज में आवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई। तुंगीपारा से मार्च करके आवामी लीग कार्यकर्ता बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि पर पहुंचे, जहां गोपालगंज आवामी लीग के अध्यक्ष महबूब अली खान ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में आवामी लीग नेताओं ने कहा कि वो राजनीतिक तौर से लड़ेंगे और आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक वो हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना को देश वापस नहीं ले आते। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।